गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग? टाइम हो गया विचार और हम लोग हमारे पूरा परिवार आए हैं धान मिंजने के लिए। तो अभी खेतों में चल रहा है धान मिंजने का काम, तो मैं कट्टा लेके जा रहा हूँ बाहर दाना। तो फैमिली उधर चल रहा है खेत में, क्या चल रहा है बताओ को? धान मिंजने का काम चल रहा है, हार्वेस्टर नहीं चल रहा खेत में क्योंकि खेत गीला था। इस पार वाले में चलेगा, ये पूरा अधिया रेखा का खेत है। अभी पानी भरने तो मैं आया हूँ बोर चालू करने के लिए। बोल जल्दी से। और हाँ फैमिली बता दो कि मैं इधर भैया लोग भाभी लोग पूरे मम्मी बहुत मॉर्निंग से ही इधर धान में काम चालू कर दिए हैं और कुछ खेत और बचे तो उसको अभी हार्वेस्टर से देखेंगे, बाकी फिर जो कट गया है उसको फिर थ्रेसर से मिंजाई करना है। इधर मैं बोर चालू कर लिया पानी पीने के लिए। सर मेरा भी थोड़ा पानी पहन दे। अरे गर्म है बहुत धुआं धुआं। तो अब अपन चलते हैं सीधा अब धान मिलने के लिए। गिलास लो कर रख चलो धर भाई, बहुत वजन है, बहुत बहुत ज़्यादा वजन है। चला को आदर है। तो मुझे भी ध्यान देने के लिए काम करने के लिए जा रहा हूँ, तो अभी वीडियो कहीं पे रुकते हैं और काम करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो हालत हो गई कि बहुत ख़राब, क्योंकि हम भी दे रहे हैं ध्यान देने लग रहे हैं। मैं थक गया हूँ, अब जा रहा हूँ पानी पीने के लिए। भाई लोग इधर अभी धान डाल रहे हैं, भाई पसीना निकल गया। भैया भाभी मम्मा भी इधर धान में थ्रेसर डाल रहे हैं, थ्रेसर में धान डाल रहे हैं। जिसका पैरा इधर नहीं कर रहा है सुखा घास, जो कि गाय बैल के खाने के लिए है। मुझे तो बहुत पसंद आ गया। और मैं जब मेरे को अभी आज काम करते हुए बस आधा घंटा हुआ है, मैं बहुत ही पसीना हो गया आधा घंटा में। आओ आओ बड़ी माँ। बढ़िया मैम, इधर देखो इधर देखो। हटा दो। इसके रेट है अभी 1800 रुपये क्विंटल, ज़्यादा भी रेट नहीं है धान का। और ये है सरोना धान, इससे ज़्यादा कोई रेट ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर काम करते फिर उसका फिर मिलते हैं। बहुत काम ही बचे है इधर पूरा। भाई लोग मेरा भाभी उधर भैया सभी लोग कर रहे, तो मेरे को भी करना पड़ेगा। ब्लॉग के साथ साथ काम भी करना पड़ेगा, फिर ड्यूटी भी जाना पड़ेगा, नाइट ड्यूटी। भाई इसे कर तो छोड़, खींच के रख। जा भाई, तो जा उठाबे, तो उठाना है ते उठान में दे वाला का ज्यादा जाता ते बैठे उठा। चलो डालो, मैं आलसी आदमी। तो यहाँ पे पूरा धान गिर गया, मेहनत का पूरा पानी। तो यहाँ पे बहुत सारा धान गिरा था और थोड़ा इतना सारा उठाया जो कि सोसाइटी में बेचने के लायक नहीं, क्योंकि इसमें मिल गया है मिट्टी और मेरे से ज़्यादा नहीं उठ रहा है। तो मम्मी को बोल दूँगा, मम्मी उठाएगी, बाकी फिर मैं दूसरा काम करता हूँ। और आज पूरा धान का खेत पूरा नहीं मिंजा पाएगा और ही बचे है, उसको बचे रहेगा उसको फिर हार्वेस्टर से काटना पड़ेगा। और जो कटा गया उसको हम लोग कह रहे थ्रेसर से। यहाँ का धान पूरा
मिलने का काम पूरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे वाले खेत में जाएंगे। यहाँ पे देखो क्या आ गया मेरे हाथ में। तो फैमिली अब दूसरे वाले खेत में जाएंगे। ये वाले खेत के ऊपर धान मिलने का काम हो गया। एक और बच्चे उधर उधर मम्मी जहाँ पे एक और खरी गांज रहा है। तो रजेड़ी में हम लोग खरी पहुँचते हैं और इसको पैरावट बोलते हैं, जो कि इसको पैरावट बोलते हैं। और यहाँ पे गिरा था धान। अरे भाई बंद कर देना भाई। तो मैं पता नहीं कब लास्ट टाइम ट्रैक्टर चलाया था। मेरे को बोल रहा है कि भैया कि ट्रैक्टर बंद कर दे क्या के। तो मैं ट्रैक्टर को बंद करने के लिए जा रहा हूँ और मुझे पता नहीं। तो मेरे को मिल गया ट्रैक्टर चलाने के लिए। बहुत दिन बाद मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ। तो दिमाग खराब हो गया क्या वो? चलोगे? अरे बाप रे, ट्रैक्टर के चक्का पर दब गया था, पूरा मिट्टी के अंदर घुस गया था। मैं देख लाता हूँ अभी। भैया बहुत उठाते हुए दौड़ाते हुए ले गए ट्रैक्टर को। और फैमिली अभी शाम के बज गए, मेरे पास घड़ी नहीं है लेकिन मोबाइल में देखा हूँ तो 5:30 हो गए हैं। और एक और खेत बचा है, उसका पूरा खेत में मिंजने के काम पर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो मेरे पैर कैसे धस रहा है। ये देखो यहाँ से पूरा ट्रैक्टर के चक्कर गया था। अरे बाप रे, बोल रहा था कि एक और खेत बचा है, बाकी पूरा खेत में पूरा मिंजने का काम कंप्लीट हो गया। और 2-4 खेत और बचा है, उसको हार्वेस्टर से लुआएगा, कटाई होगा उसका। मैं इधर से जाऊँगा मम्मी तरफ से। मम्मी भी आए हैं, भैया लोग भी आए हैं, भाभी भी आए हैं। खेत में दौड़ेगा अब ये खेत ख़त्म, फिर पूरा ख़त्म। मम्मी जी है ये मेरा। इसी जगह जाने लगेगा, मात्र 40 मिनट लगेगा फिर भी पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। और इतने सारे पूरा और लोग आए हैं जो कि पूरा भैया बुलाए हैं। बता हमारे बड़े भैया जी है ये। चल भाई फिर के ऊपर मेरे को भी चढ़ना है, धान के ऊपर इसके ऊपर चढ़ना है और थ्रेसर में डालना है धान फेंक फेंक के, तो मैं भी देने का काम करूँगा। तो हमने भी चढ़ गए धान में। मम्मी वहाँ धान ला रही है। इधर दोनों भाई लोग मेरा। मम्मा हाय कर दो। मम्मी है मेरी। तो अभी भी चल रहे हैं आपके धान मिलने का काम। हमारे भाभी को देख लो। बैठ गया हूँ और हो गया, टाइम हो गया 6 बज गया। बहुत टाइम लेटली, बहुत टाइम लग गया। आज का काम बहुत हो गया। अब नहाएंगे, पूरा खेत जो प्रधान मेरे काम पूरा कंप्लीट हो गया। और मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। मेरे छोटे भाई है ये, बड़ा भाई, बड़ा भाई और मैं सबसे छोटा भाई, ये मेरे से छोटे भाई है। और ये है हमारा खेतों का पूरा धान। ये पूरा है हमारा खेतों का धान। ये पूरा है सोना, किसानों का है सोना, जिसका प्राइस है मात्र 1800 क्विंटल, ज़्यादा रेट नहीं है। पैरा और हर ट्रैक्टर हार्वेस्टर। मैं रिकॉर्डिंग कर ले तो कितना है? तो पूरे 52 कट्टा है। 52 कट्टा है भी है हमारे भैया।
हुए तो चोरी हुई तो पता चल जाए कबर के गांव में चोरी होती रहती है। देखे तिल देखो नहीं बचा नहीं। तो फाइनली धान के मिंजरे का काम पूरा कंप्लीट हो गया और इसको देख लो नहा के नहीं आया, मैं भी नहीं नहाया हूँ और टाइम हो गया 6:30 होने वाला है। लाइट इसलिए अच्छा आ रहा है क्योंकि मोबाइल अच्छा है, नहीं तो बहुत अंधेरा है, देख सकते हो इधर फेस में पड़ता है तो लाइट ऑटोमेटिक आ जाता है मोबाइल में। और पोर्ट्रेट में वीडियो बना रहा है इसलिए क्वालिटी अच्छा आ रहा है। तभी हम लोग नहाएंगे उसके बाद फिर जाएंगे घर, फिर मेरा नाइट ड्यूटी भी है, फिर मेरे को हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, ड्यूटी भी करना पड़ेगा, फिर इस वीडियो को एडिटिंग करके फिर अपलोड भी करना पड़ेगा, मतलब बहुत 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 काम है। तो फैमिली आज को ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, शाम भी हो गया, इवनिंग भी हो गया, हम लोग को नहाना पड़ेगा, फिर मेरे को ड्यूटी भी जाना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दो और चैनल में नए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से जल्दी से मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।